दो दिन के बाद फिर मुसलमान इकट्ठे किए, फिर सिकंदर लोदी से कहा कि हम एक परीक्षा और लेंगे, इनको जहरे कुएं में डालेंगे और ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल के बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर हम मान लेंगे जो अल्लाह है जो बाहर आ गया था। ये भी प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार कर ली। राजा से कहा, राजा इन्हें करने दो, इन्होंने तो मुझे मारना ही है, और कोई बात नहीं मर जाऊंगा, आप चिंता ना करो, मुझे करने दो जो ये करना चाहते। और सिकंदर कहता था जी मेरी तो पार नहीं बसा रही, ये तो दुष्ट इंसान है, कुछ भी करवा सकता है, मेरे राज को भी उलट पुलट कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर जी को पकड़कर एक बहुत गहरे कुएं में डाल दिया जिसमें जल नहीं था, और वो इतना गहरा होता था, पहले 200 से 150 फुट पर जा करके जल निकलता था, और उसमें डाल दिया, ऊपर तो कंकड़ झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियाँ, और ऊपर तो मिट्टी गोबर छोटी ईंट कती ठोक दिया फुल, और शेख तकी ने तो बस फिर पगड़ी घुमाई, कहा अब बनगी बात, हाथ पैर मुंह धोकर शेख तकी पहुंचा फिर वहां सिकंदर लोधी के दरबार में। कहने लगे सिकंदर लोधी, हे राजन अब कहाँ है वो तेरा अल्लाह? अब शेख तकी तो उधर लेकर गया था, थोड़ी देर पास कबीर जी आकर अपने कमरे में लौट गए, विराजमान थे। सिकंदर लोधी ने उनको जलपान कराया। अब ये पूछा को नहीं कैसे आगे क्यों आगे, ये मालिक की लीला थी, उसको बुद्धि आन नहीं थी। शेख तकी इसकी बात सुनकर कि उसको हम दाबे गड्ढे में कुएं में डाल दिया है, कहाँ है वो तेरा भगवान? सिकंदर लोधी कहने लगा किसके विषय में बात कर रहे हैं उस शेख तकी? कि वो तेरे गुरु के बारे में, कबीर के बारे में, उसको हमने जहरे कुएं में डालकर ऊपर से सैकड़ों टन मिट्टी डाल दी है, झाड़ बोझड़े डाल दिए, अब निकल के दिखाए। सिकंदर लोधी कहने लगे वो बैठे कमरे में, आ दिखाऊंगा। अब शेख तकी गया देख कर, नो कर लिया। अब दुष्ट ने फिर भी नो नहीं मानी, रहता कि जब ये भगवान आ रहे पैर पकड़ ले, ये पीर ये गुरुपना ये भगवान के सामने नहीं चलता, और ये नकली गुरु भगवान से दूने दूर हो जाते हैं मान बड़ाई के कारण, फिर भी नहीं माना।